फ्रेंड्स आज हमारे सामने आ चुके हैं एक बार फिर से अप्रिलिया 457। इसके अंदर लगने वाला फुल सिस्टम प्लेगर अप्रिका का जो तो फ्रेंड्स आज हमारे सामने आ चुके हैं एक बार फिर से अप्रिलिया 457 और इसके अंदर मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन भी है साथ में ना इसके अंदर लगने वाला फुल सिस्टम। फुल सिस्टम कौन सा लगेगा? इसमें लगेगा रेप्लिका का जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से खुलती है, क्योंकि जब भी आप इसे खुलवाते हो प्रोफेशनल से खुलवाओगे तो आपको एडवांटेज मिलने वाला है उसका, और अगर जो अनप्रोफेशनल खुलवाओगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपकी अपनी अप्रिलिया 457 के अंदर। तो देखो इसके अंदर हमने पूरा इसके हेडर जो है ना वो हेडर निकलने की तैयारी है इसकी पूरी, देख सकते हो ये हेडर में लगा हुआ होता है। ये भी खोल रहे हैं, पहले इधर की फेयरिंग खुल चुकी है, इधर का रेडिएटर निकल चुका है एंड इस तरफ का भी आप देख सकते हैं फेयरिंग खुल चुकी है, और इधर का भी रेडिएटर जो है थोड़ा सा बाहर करके ना तब जाके निकलेगी पूरी है। और उसके बाद इसकी जो इसका जो हेडर का अंदर का बोल्ट है वो खुल रहा है, और ये खुलने के बाद पूरा का पूरा हेडर इसका आ जाएगा नीचे, और जब पूरा हेडर नीचे आएगा फिर उसके अंदर लगाएंगे हम। देखो ये वाला हेडर ये देखिए, फिर हम लगाएंगे इसके अंदर ये वाला हेडर जो कुछ इस तरीके से है, ये दो मुंह साफ इसमें बने हुए हैं इसके अंदर ये लगेगा, एंड साथ में फिर लगेगा इसके अंदर ये चीज़, ये भी इसके अंदर लगेगा और तब जाके ये हो जाएगा पूरा कंप्लीट हेडर। एंड फिर उसके बाद इसके अंदर रेप्लिका एग्जॉस्ट वो हम लगा के दिखाएंगे कौन कौन से इसके अंदर सेट बैठेगा, कौन कौन सा इसके अंदर अच्छा लगने वाला है। और जिसको अंडर वाली एग्जॉस्ट चाहिए ना, अंडर वाली एग्जॉस्ट मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता है आपका भाई भी ना कुछ ना खुराबत करता रहता है, इसीलिए और करते हैं इसको स्टार्ट। और थोड़ा भैया से मिलवाते हैं स्टार्टिंग के अंदर कि भैया कहाँ से आए और क्या सोच कर आए हमारे बारे में। हाँ जी भैया कैसे हैं? भले जी दुआएं आपकी। तो क्या सोच कर आए हमारे बारे में कि कैसा काम हो सकता है, कैसे नहीं? भैया आपकी वीडियोस देखी, उसे देखा कैसे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, तो मैं मेरठ से आया हूँ लगवाने। अब मेरठ में देख रहा था मैं तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया इस चीज़ के बारे में, कहाँ से ओपन करें, कैसे ओपन करें, मतलब ब्रेक होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा था क्योंकि ज़्यादातर प्लास्टिक टाइप नहीं है इसमें, तो इसलिए आपके जो रिव्यूज़ मैंने देखे वो सारे पॉजिटिव थे मोस्टली, तो इसलिए डायरेक्ट आप ही के पास नेगेटिव रिव्यू है ना वो पता कौन है, जस्ट ओनली हेटर्स। बिल्कुल काम कराने वाला कोई नहीं उसके अंदर, तो कंपैरिजन करने वाले हैं वो कि इधर से क्यों नहीं कराया, उधर से क्यों नहीं कराया, बट आपके यहाँ से काम करा गया, चल रहा है काम, आप देखते हैं। भैया मुझे इनलाइन फोर वाली आवाज सुनाने वाले हैं इसी बाइक में, बिल्कुल देखते हैं कैसा लगता है साउंड इसके अंदर जो इनलाइन फोर वाली आएगी, ये मेरी श्योरिटी है इसके अंदर, क्योंकि हमने जितने भी लगाया ना सबके अंदर ही वही सेम साउंड आई है इनलाइन फोर वाले, इसकी भी सुनाइए साउंड, आप भी इंजॉय करो, भैया भी इंजॉय करते हैं। फिर एंड में भैया से दोबारा मिल पाते हैं कि भैया का कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर। बिल्कुल ठीक है भैया, तो करते हैं स्टार्ट, गाड़ी कब की चली रही है, देखो स्टार्ट हो ही चुका है ऑब्वियसली, और उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको पूरी चीज़ें कि क्या क्या इसके अंदर हो चुका है, और जो जो इसके अंदर लगता है सारे आपको दिखाऊंगा एक एक करके। फ्रेंड बड़े दिनों बाद में मैंने खोला, ऐसा पिटारा जो आप देख कर आपकी तबीयत हो जाएगी खुश, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने सुपर बाइकों में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ इनको मैं, लेकिन अभी क्या है मैंने निकाले नहीं था माल, स्टॉक को आए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। ये देखिए आपको देखने मिलेंगे सर सुपर बाइक वाले एग्जॉस्ट जो कि मिलेंगे आपको, देख सकते हो जो आपको इनलाइन फोर के अंदर लगते हैं ना वाले एग्जॉस्ट है, इनकी भी साउंड सुनाऊंगा। ये आपका अंडर वैली हो गया और ये भी आपका अंडर वैली हो गया, क्योंकि आप देख सकते हो आपकी 650 हो, क्या नाम है उसका, CBR 650 हो, S1000 हो, 10R हो, इन सब के अंदर ईजिली अंडर वैली फिट हो जाता है, और इसके अंदर भी आपका अंडर वैली फिट हो सकता है। तो मैं साउंड सुनाऊंगा सबकी बाद में, पहले सुनाऊंगा इसकी, ये अपना ऑस्टिन रेसिंग, फिर उसके बाद SC प्रोजेक्ट एंड अगेन SC प्रोजेक्ट, और उसके बाद एक्रा वगैरह सारी वैरायटीज आपको दिखाने के बाद ना फिर उसके बाद दिखाता हूँ कि इसकी किस किस की कैसी साउंड है और कौन सा कैसे फिट होने वाला है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जो इसका हेडर था ना वो पूरा हेडर कर दिया फिट, देख लो किस तरीके से लुक आ रही है इसकी फिटमेंट, और ये आपका प्रॉपर फिटमेंट है, कोई आपका जुगाड़ नहीं होता, सिंपली इजी टू फिटेड होता है, अगर ऑल इंडिया शिपिंग भी अवेलेबल है कोई मिल लेता है तो सीधा इजीली फिट भी जाता है। आते हैं आपको इसके अंदर कार्बन कलर का मिल जाता है आपको SC प्रोजेक्ट जो कि जाली वाला, जैसे कि आप ज्यादातर सुपर बाइक में देखते हो वही वाला एक जो इसके अंदर लगा रहे हैं, सुनाते हैं साउंड किस तरीके से आती है। साउंड किस तरीके की साउंड इसकी मिलने वाली है आपको, सेम सुपर बाइक की साउंड, वैसे सुपर बाइक है नॉर्मल बाइक नहीं है। गजब साउंड है, गजब। नेक्स्ट
सुनाता हूँ आपको एक्रा पॉविक और इसकी भी सुन लो साउंड किस तरीके से इसकी आने वाली है। जितने भी एग्जॉस्ट में दिखा रहा हूँ ना आपको, ये सारे सुपर बाइक के लिए सुनाया ना वैसे मैंने आपको। पॉविक और ये भी मिलेगा आपको सुपर बाइक वाला, इसकी भी सुनते हैं साउंड। और जो भी आपको अच्छा लगे ना उसका कमेंट करें, मुझे आपको कौन सा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा। वैसे मुझे तो सारे अच्छे लग रहे हैं इसके अंदर, बाकी आप कहना आपको हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। आने जा रहा हूँ ये आपका एक्रा पॉविक का डबल बैरल विद डीपी कलर, इसकी भी सुन लेते साउंड कैसी आती है। और ये होता है काफी बल्कि लॉन्ग वाला, ये देखिए पहले इसको देख लो और फिर इसके बाद आप इसकी साउंड भी सुन लेते हैं एक बार। एक और खजाना जो मैं बोल रहा था ना आपको, अंडर वैली एग्जॉस्ट आपके इसके अंदर दिखाने वाला हूँ आपकी अप्रीलिया 457 के अंदर, जो मेरे ख्याल से शायद ही कहीं मिलेगा। फिर भी इसके चक्कर आए थे आपको। आप देखो इसकी फिटमेंट आएगी किस तरह, दिखाओ मैंने इस तरीके से फिटमेंट आएगी और इसकी साउंड सुनाया था आपको साउंड किस तरीके से आने वाली है इसकी। करो स्टार्ट। ये जो एग्जॉस्ट है ना, इस एग्जॉस्ट की खासियत है कि आपको अंडर वैली फिट होगा और प्रॉपर फिटमेंट मिलने वाली है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि इसके अंदर जुगाड़ होगा जब करवाने आओगे तो। और एक और अंडर वैली है उसकी भी सुना आपको साउंड किस तरीके से आएगी। ये रहा दूसरा, देखो जी ये भी मिलेगा आपको एक्रा पॉविक टाइटेनियम के अंदर। और इस आगे मिलेगा इसके अंदर कार्बन कलर का डीपी कलर, इसके अंदर भी आपका लगा होगा। देखो डीपी कलर खोल लेते हैं पहले इसके अंदर, फिर सुनाते हैं आपको साउंड। साउंड इसकी औसम है और ये आपको मिलता है अंडर वैली। मैंने दो आपको एग्जॉस्ट सुना दिए हैं, किसी को भी लगवाना हो अपने भाई बंधु को अंडर वैली के अंदर तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। प्राइसिंग की बात करिए तो प्राइसिंग अप है इनका, डाउन नहीं है, बट व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका एक्चुअल प्राइस ही बता दूंगा। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, इसके अंदर एग्जॉस्ट की साउंड आपको सुनाई थी और इसके अंदर कौन सा एग्जॉस्ट लगा है वो दिखाऊंगा बाद में। पहले इसके अंदर बाकी मॉडिफिकेशन इसके अंदर हमने क्या क्या की है देखो। सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर लेमिनेशन वगैरह जो है ना, ये सब भैया ने पहले से करवाई है, मतलब सवेरे करा के लाया है हमारे पास। और मैं एक चीज़ का फ़र्क दिखाना चाहता हूँ आपको उसके अंदर, कि बहुत से लोग सोचते हैं कि करोल बाग के अंदर क्या होता है कि लेमिनेशन या रैपिंग वगैरह का प्राइस ज़्यादा होता है और लोकल मार्केट में कम होता है। तो उसका रीज़न पता क्या होता है, देखो आइए सबसे पहले दिखाता हूँ आपको इसकी फिनिशिंग। देख लो आप, कहीं से भी आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी देखने को, इधर हो गया एंड इधर आ जाओ आप, ये देखिए इधर आपको देखने मिलेगी ये फिनिशिंग वर्क, आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपको मिलता है इस तरफ। अब बात करी जाए और भी जगह की, देख सकते हो आप हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। जैसे भैया ने भी दिक्कत बताई है मुझे, सवेरे कराइए बट गया, क्या है कोई बात नहीं, लोकल में तो वो कर भी जल्दी देगा, भैया दूर से आ नहीं पाएंगे, लेकिन वहाँ पर करवा लिया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हो जाए। मैं सिर्फ फ़र्क दिखा रहा था आपको कि थोड़ा फ़र्क होता है आपका लोकल का और हमारे पास काम कराने का, जो मैं थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको मैं दिखाना चाह रहा था वो शायद मैं दिखा दूँ, शायद आपको समझ आ भी गया होगा। नहीं आओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी करा सकते हो एज यू विश, आपकी मर्ज़ी। और साथ में इसमें अंदर लगाए विंग्स मिरर, देखिए ये विंग्स मिरर हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको जहाँ मर्जी सेट कर सकते हो जैसे आपका दिल करे। और सेट करने के बाद ना ये देखो, ये आपके विंग्स के भी काम करेंगे कुछ इस तरीके से। और आपका पीछे व्यूज़ की बात करें तो मैं ये नहीं कहूँगा व्यूज़ इसके अंदर नज़र आने वाला है, क्योंकि जो भी लोग ये लगवाते हैं ना, ये ज़्यादातर शौकिया होते हैं, जस्ट फॉर लुकिंग होते हैं, बाइक की लुक को इनहेंस करने के लिए होते हैं, ये आपका साइड के लिए मेरे हिसाब से तो नहीं है। बाकी भैया से बाद में पूछेंगे भैया ने लगवा तो लिए हैं, किस लिए लगवाए हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया इसका विंग्स मिरर की, क्योंकि हमारी पता क्या एक खासियत है, हम लोग क्या सोचते हैं कि हमने कुछ लगाया ना तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें हम बताते हैं, बाकी मार्केट में आपको कोई बताएगा भी नहीं कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं और क्या इसका नुकसान है। तो बेनिफिट ये हो गया, लुक इनहेंस हो गई
और डिसएडवांटेज आपका इसका ये हो गया कि इसमें आपको पीछे का व्यू नज़र बहुत ही कम आएगा इसके अंदर, तो इसका डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके बाद लीवर गार्ड की। इसमें हमने लीवर गार्ड भी लगा देंगे हैवी क्वालिटी के, जो कि आपको देखने मिलता है टाइटेनियम कलर के अंदर, और ये भी इसके अंदर लगे। इससे आपका लीवर और हैंड दोनों होते हैं प्रोटेक्ट पूरी तरीके, इस तरफ से भी एंड इस तरफ से भी, और दोनों तरफ इस तरफ भी देखें आपको मिलेगी फुल्ली प्रोटेक्शन आपके लीवर की और आपके हैंड की भी। और उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर अपनी एमके रेसिंग, ये देखिए एमके रेसिंग की आपकी रेडिएटर गार्ड, ये भी हमने इसके अंदर लगा दी गई है, जो कि मिलती है आपको एल्युमिनियम की। इसे लगाने का जो मोटिव होता है, आपको जो रेडिएटर होता है ना, वो ना तो हीट करेगा और ना ही आपकी ओवर हीट होने की वजह से आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये मिलती है आपको एल्युमिनियम की। और कंकर पत्थर कुछ भी अगर उसके अंदर लगता है तो वो भी डैमेज होने का खतरा होता है, तो वो भी आपका हो गया पूरी तरीके से रिजॉल्व। और अगली जो वीडियो बनेगी ना इसी बाइक की, जब भैया आएंगे तो उसके अंदर फ्रेम स्लाइडर्स वगैरह और भी दो चार कुछ छोट मोट काम है वो इसके अंदर कराएंगे। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या लगाया है। देखिए इसके अंदर लगाया हमने मोटोक्राफ्ट के ये आपके थाई पैड्स दोनों तरफ, इस तरफ भी एंड इस तरफ भी, और ये मिलते हैं आपको अप्रीलिया के ओरिजिनल जेन्युइन फिटमेंट वाले, ये इसके अंदर मिल जाते हैं। और भी किसी बाइक के अगर आपको चाहिए नॉर्मल बाइक सुपर बाइक, तो सभी के अपने पास अवेलेबल हैं। और उसके बाद बात करते हैं इसके टैंक पैड की, तो ये भी इसके अंदर लगा दिया टैंक पैड और थाई पैड लगाने से जो टैंक पैड स्क्रैचेस वगैरह आने का खतरा होता है ना, वो हो जाता है पूरी तरीके से ख़त्म, क्योंकि ये होते हैं आपके प्रॉपर फिटिंग वाले और प्रॉपर एडजस्टमेंट इसकी हो जाती है इसके अंदर, और टैंक हो जाता पूरी तरीके से आपका सेफ। क्योंकि इतनी महंगी बाइक्स है, अगर मान लो कुछ भी स्क्रैच वगैरह लगते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है किसी को भी, तो ये इसके आपको हमारे मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं एग्जॉस्ट, क्योंकि आपने साउंड सुन ही लिया पहले सभी की, फुल सिस्टम जो इसके अंदर मैंने लगाया था, बाकी मैंने आपको बताया कि अंडर वैली भी हमारे पास अवेलेबल है, अंडर वैली भी किसी को लगाना हो तो मैंने साउंड सुना दी थी आप सभी को स्टार्टिंग के अंदर, आप वो भी इसके अंदर लगा सकते हो। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर हमने क्या लगा दिए। ये आपको मिलता है एक्रोपोविक का ओरिजिनल, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। इसमें मिलता है कार्बन कलर की, इस तरफ भी आपको कैप मिलेगी एंड कार्बन पार्ट मिलता है इस तरफ, और ये हो गया आपका फुल सिस्टम। देखिए फुल सिस्टम है, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि हमने इसमें लगाया फुल सिस्टम। और इसकी बात करी जाए इसके स्टॉक एग्जॉस्ट की, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए ये इसका स्टॉक एग्जॉस्ट है, जो कि मैंने निकाल दिया है, और काफ़ी वेट है इसके अंदर, और इतना सारा वेट आपकी बाइक से कम हो गया है। और हेडर लगा दिया इसके अंदर स्टेनलेस स्टील वाला, जो कि प्रॉपर फिटमेंट है, वो मैंने आपको इसके अंदर दिखाई दिया है। ये आपका निकल के सिंपली लग चुका है, ना तो आपको चलान का खतरा, चलान का 1% हो सकता है, बट मे बी आपको दोबारा ये लगवाना चाहते हो तो ये भी आपका इजीली लग जाएगा, क्योंकि हमने इसमें लगा फुल सिस्टम। और अब इसके बाद सुनाया था इसकी भी साउंड, कि साउंड इसकी किस तरीके से आने वाली है, जब आप रोड पर निकलोगे तो क्या इंप्रेशन दिखेगा आपको लोगों का, तो दिखाते हैं इसकी साउंड सुनाते हैं। ये आपकी होगी आइडल पर, और अब देते हैं थ्रोटल। तो कतई करारी साउंड है जो आ रही है इसके अंदर, जो कि आप सभी ने देख ही लिया है। और बाकी आपको कराना है और भी कोई एग्जॉस्ट लगवाना है आपको किसी भी बाइक के अंदर, तो वो भी आपको हमारे पास मिल जाए, चाहे नॉर्मल बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, कुछ भी, सबके अंदर लग जाते हैं सारे ही एग्जॉस्ट। और इसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है कम्प्लीट। अब मिलाते हैं भैया से, जिन भैया की ये बाइक है फाइनली, उनको कैसा लगा। तो हेलो ब्रदर जी, हेलो, कैसे हैं आप और आपको कैसा लगा बताइए। ऑल अबाउट बहुत ही मतलब अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दिए हैं आपने सारे, और प्राइसिंग भी बहुत अच्छी है, और जिस टाइप का मुझे साउंड चाहिए था बिल्कुल आपने वो चीज़ मुझे दे दी है, विद डीबी कलर। अब देखते हैं डीबी कलर लग के कैसी रहती है, क्योंकि मैं सिटी में ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो डीबी कलर मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन हर चीज़ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के दिए हैं, और सब क्वालिटी इतनी सारी दिखाई है, क्वांटिटी इतनी दिखाई है कि चूज़ करने में मुझे ही काफ़ी टाइम लग गया कि कौन सी लें और कौन सी छोड़ें, वरना भैया एक घंटे पहले जा चुका, एक घंटे पहले मैं जा चुका था यहाँ से, नहीं तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड। हाँ, ऑल अबाउट जैसा सोच कर आए थे वैसा मिला, उससे बढ़िया मिला। गाइज अप्रिलिया वाले जो भी हैं वो भाई सीधे यहाँ आए, मैं भी वीडियो देख कर ही आया था, बट जो वीडियो में देखा ना उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिला मुझे यहाँ आकर, तो यहाँ आए, हर चीज़ अवेलेबल है अप्रिलिया की। आप तो ठीक है भैया, थैंक यू सो मच सर विजिट करने के लिए। और हमारा कोई भी फिर ऑल इंडिया से आना चाहे तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है ये बता दो। बिल्कुल सीधा है, बेफिक्र होकर आए, बट राजू भाई को कॉल करके आए कि कोई भी चीज़ यहाँ नहीं हुई वो आपके आने से पहले यहाँ अवेलेबल हो जाएगी, बिल्कुल, इसलिए कॉल कर कराए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच वन सेकेंड सर, थैंक यू। तो ये थे भैया अपनी अप्रीलिया 457 अपने मेरठ से चला कर लेकर आए, और ये इनका कॉल आया, बात तो अगर पहले से चल रही थी कि मैंने लेनी है, जब लूँगा तब आऊँगा, परसों उन्होंने बाइक ली और आज हमारे पास आ गए अपनी बाइक का काम कराने के लिए। और आपको भी कराना है ऐसी किसी भी बाइक का काम, चाहे नॉर्मल बाइक हो, चाहे सुपर बाइक हो, चाहे कैसी भी बाइक हो, तो सबके अंदर काम आपका हो जाएगा। किसी भी तरीके का काम कराना चाहते हो, आपकी अपनी शॉप राजू भाई की शॉप,
जो कि मिलते हैं आपको दिल्ली के करोल बाग नाइवलन के अंदर। जब भी आप आते हो, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, वहाँ से कॉल करके आ सकते हो, व्हाट्सअप करके आ सकते हो। कोई सामान आपको मंगवाना हो, कुछ भी सामान आपको मंगवाना हो, कोई क्वारीज वगैरह हो, तो वो भी आपके घर तक डिलीवरी करा दी जाएगी, चाहे वो किसी बाइक किसी भी स्कूटी की हो। तो नंबर जिसने सेव नहीं है सेव भी कर लो, और लोकेशन और एड्रेस वैसे तो हमारा डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, बाकी नहीं मिलता तो कॉल करो मंगा लो। और दूसरी बात, जब भी आप आते हो ना, सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति देख लेना। हनुमान जी की विशाल मूर्ति है, उसके जस्ट सामने 100 मीटर की डिस्टेंस पड़ेगा। मेन रोड पर शॉप है, हमारा अंदर गली में नहीं है, तो गली में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपको ये भाई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग्स लाता रहता है। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, गुड बाय।